पूरे प्रांत भर में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया सवेरा हो रहा है। मैं इस अवसर पर जहां एक ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और वहीं हजारों हजार बेरोजगार नौजवान जो आज रोजगार से जुड़ने जा रहे हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने मुरैना जिले में चंबल संभाग की बैठक ली और बहुत सारे विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की है। मुरैना जिले का चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हमारी बहनों का सशक्तिकरण का मामला हो, शहरी आदिवासियों के उत्थान का मामला हो, हर पहलू पर उन्होंने गौर किया है और आज प्रदेश भर की अफसरों को चंबल का विकास द्रुत गति से हो इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है। इसके लिए मैं हृदय से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आप सबके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने श्योपुर का वो क्षेत्र जो खातौली और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, अटार घाट का वो पुल जो सबलगढ़ और करौली को जोड़ने वाला है, वहां से लेकर उसैद घाट और पिनाट के पुल तक का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। हम मुरैना नगर में बैठे, मुरैना नगर नगर पालिका बना, मुरैना नगर से 250 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से पीने का पानी लाया जा रहा है, चप्पे चप्पे पर सीपर बिछाई जाने का काम किया जा रहा है और मुझे कहते हुए गौरव है कि पिछले बार बैरियर पर दिक्कत आती थी तो भारत सरकार ने पुल बनाया और पिछले बार जब भारत सरकार के मंत्री ग्वालियर में आए थे तो मैंने उन्हें आग्रह किया था कि नैनागढ़ से और ठेठ अंबा तिराहे तक पूरा एक एलिवेटेड रोड बनना चाहिए जिससे कि मुरैना जिले में और मुरैना नगर में जो यातायात का दबाव है उससे मुक्ति मिल पाए। आज मुख्यमंत्री जी ने एलिवेटेड रोड बनाने के भी निर्देश दिए हैं और आप सबको मालूम है कि चाहे मुरैना का बाईपास हो, चाहे अंबा का बाईपास हो, चाहे पोरसा का बाईपास हो, सारे के सारे बाईपास भूतल परिवहन मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिए हैं, उनका शिलान्यास हो गया है। इससे मुरैना जिले का बहुत विकास होने वाला है। साथ ही सबलगढ़ से श्यामपुर और श्यामपुर से गोरस और गोरस से श्योपुर ठेठ पाली राजस्थान तक इन मार्गों को लेकर भी शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। भिंड में अटेर और भिंड का बाईपास अगर इनकी राशि को मिलाएंगे तो कुल मिला के 3000 करोड़ रुपए के विकास के काम भारत सरकार ने मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्वीकृत किए। आज हम सब जानते हैं
कि एक जमाना था जब छोटी लाइन चलती थी तो लोग बोलते थे ये बड़ी लाइन हो जाए, और बड़ी लाइन होके श्योपुर से भी जुड़े और कोटा से भी जुड़े। मुझे कहते हुए गौरव है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छोटी लाइन बंद हो गई और बड़ी लाइन का काम शुरू हो गया है। थोड़े दिन में ये सबलगढ़ तक पहुंचेगी, उसके बाद श्योपुर होती हुई कोटा तक पहुंचेगी। ये कनेक्टिविटी रेल की भी हमको मिलने वाली है, जिससे हमारे चंबल क्षेत्र का निश्चित रूप से द्रुत गति से विकास होगा। अभी हम करौली मैया के दर्शन करने के लिए जाते थे तो धौलपुर बाड़ी बसेड़ी सर मथुरा होते हुए करौली पहुंचते थे, तब मैया के दर्शन होते थे। लेकिन अटार घाट का पुल बन जाने के बाद अब यहां से सबलगढ़ जाओ, आधे घंटे में करौली जाके मैया के दर्शन करके हम लौट सकते हैं। यह सुविधा भी सरकार के माध्यम से हम लोगों को मिली है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो आज जब सड़क मार्ग से हम दिल्ली जाते हैं तो बीच में धौलपुर जाना पड़ता है, आगरा जाना पड़ता है, और आगरा शहर में से घुस के जब हम यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंचते हैं तो एक घंटा एक्स्ट्रा लगता है। अब आगरा यमुना एक्सप्रेस वे से सीधा ग्वालियर बाईपास पर एक्सप्रेस वे उतरेगा, 4000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 3.5 घंटे में मुरैना से व्यक्ति ठेठ दिल्ली में पहुंच जाएगा। ये प्रोजेक्ट भी भारत सरकार ने मंजूर किया है। मैं इस मौके पर आप सब लोगों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आज मुख्यमंत्री जी हम सब के मध्य पहली बार आए, उन्होंने एलिवेटेड रोड के लिए भी कहा है, उन्होंने शनिचरा मंदिर के विकास के लिए भी कहा है, और मुरैना क्षेत्र में इंडस्ट्री आए, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर बढ़ें, इस दिशा में भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। मैं इस अवसर पर उनका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सब लोगों को प्रार्थना करता हूँ तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करें। तालियां तब तक बजती रहना चाहिए जब तक मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू नहीं हो जाए। जरा थोड़ा और तेज, इतने में कैसे आएंगे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा और जरा जोर लगा के चंबल की तरह तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन से पूर्व हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनाओं को उज्ज्वला योजना की राशि अंतरित करने की कृपा करें। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से बोले, उससे पूर्व इस कार्यक्रम से पूरा राज्य जुड़ा हुआ है और अनेक ऐसे हितग्राही हैं जिनसे मुख्यमंत्री जी का संवाद होगा, तो वो संवाद के कार्यक्रम के बाद फिर मुख्यमंत्री जी को हम लोग बुलाएंगे। आग्रह, आइए जोरदार तालियों के साथ आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 45,89,000 बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 1,018 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण करें। लगभग 88,79,00,000 की लागत से कुल 53 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। 80 करोड़ की लागत से 42 कार्यों का लोकार्पण, साथ ही 8,79,00,000 से 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये प्रदेश भर का कार्यक्रम है और 4 जिलों के ऐसे हितग्राही जो आज लाभान्वित हो रहे हैं,
उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी रूबरू होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले छतरपुर जिले से श्रीमती राजकुमारी अहिरवार, कृपया उनसे कनेक्ट करने का अनुरोध है, टेक्निकल टीम से अनुरोध है। सर मैं बताना चाहूंगा कि आप संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से 5 लाख का ऋण प्राप्त किया है और आपके द्वारा किसान सेवा केंद्र की गतिविधि प्रारंभ कर दी गई है। श्रीमती राजकुमारी जी आप उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नमस्ते जी, महोदय जी नमस्ते जी। आपने किस योजना का लाभ लिया है? संत रविदास योजना का। ये मुराने साहब आपको बधाई दे रहे हैं, सारे लोग ताली बजा के स्वागत करें जरा बहन जी का। आपको आज रोजगार दिवस के अवसर पर 5 लाख की लागत से ये नई स्कीम है संत रविदास स्वरोजगार योजना। आप क्या करने वाले हैं इसमें? सर किसान पाइप, किसानों के लिए सिंचाई पाइप, किसानों के लिए सिंचाई कार्ड बनाएंगे। सिंचाई पाइप सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ स्प्रिंकलर सर, किसान पाइप। तो आप अकेले कर लेंगे और कोई मदद करेगा? नहीं सर, दो लोग और रखे हैं। कौन है, साथ में है क्या वो? नहीं सर, वो कंप्यूटर ऑपरेटर रखे हैं और सर एक फील्ड कर्मचारी। चलिए ये 21वीं शताब्दी का माननीय मोदी जी का भारत है, बहन हमारी किसान पाइप की और बाकी चीजों की दुकान खोल रही है। जोरदार अभिनंदन करें इनका, राजकुमारी जी का। और कितने लोगों को रोजगार दे रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है और खास करके सिंचाई के रकबे के मामले में मदद करेगी। हमारी तरफ से आपको बधाई और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मेरे साथ माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर बैठे, जो पूर्व किसान के बहुत बड़े मंत्रालय का काम उनने संभाला हुआ था, कृषि मंत्रालय, और उसमें ये बहुत सारी योजना लेकर के आए थे। बधाई दीजिए आपको भी और ये माननीय नरेंद्र सिंह जी बधाई देंगे। सर अगला, बहन आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर आप पर कृपा करे, आपका परिश्रम सफल हो और आप अपने आप को भी आगे बढ़ाएं और अपने गांव को और अपने सहयोग और परिवार को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बधाई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई। अदल सिंह कंसाना जी भी मेरी तरफ से बैठे हैं, वो भी बधाई दे रहे हैं। मैं अब आप अनूपपुर की तरफ चलना चाहूंगा, अनूपपुर ले जाएं। अनूपपुर में सर सुश्री ज्ञानवती सिंह श्याम जी उपस्थित हैं। सुश्री ज्ञानवती सिंह जी, सर आपके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 7,40,000 के ऋण प्राप्त करते हुए कपड़ा दुकान प्रारंभ किया है। सर आप रूबरू होंगे। सर ज्ञानवती जी आपको बहुत बहुत बधाई, बड़ी योजना है आपकी। काय की दुकान खोलने वाले हैं? जी सर, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं। आपको अनुभव है इसका? जी सर, पहले से काम करते हो इस लाइन में? जी सर। चलिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। माननीय तोमर साहब भी बैठे हैं, एदल सिंह कंसाना जी, राकेश शुक्ला जी, पूरा मंच जोरदार तालियां बजाए हमारी बहन के लिए। देखो कपड़े की दुकान अब हमारी बहनें भी चला रही है और योजना भी कितनी बढ़िया, भगवान बिरसा मुंडा योजना है ये। आप जो सुन रहे हो इसमें से अपने अपने रोजगार के लिए आप भी ऐसी लाइन में जा सकते हैं। दमोह चलते हैं, दमोह, इसके बाद दमोह से कौन है? दमोह जिले में श्रीमती पूजा यादव, आपके द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख ऋण प्राप्त करते हुए आरओ वाटर प्लांट लगाने का कार्यक्रम आप कर रहे हैं। श्रीमती पूजा यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कृपया चर्चा करिए। पूजा जी बधाई आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार जी। ये मुरैना वालों को नमस्कार करो, पूरे प्रदेश वालों को नमस्कार करो एक बार, सारे लोग आपको देख रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ पूजा जी के लिए। देखो ये शुद्ध पानी का नया आरओ प्लांट डाल रहे हैं, आपका दमोह में मार्केट मिल जाएगा इतना? जी सर मिल रहा है। मिल रहा है, पहले कभी काम किया आपने? सर पहले से चालू था और इससे आगे बढ़ाया है। अच्छा पहले से चालू था और आगे बढ़ाया, चलो आपकी हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। बधाई दीजिए भैया सभी लोग तारीख बजा करके। श्रीमती योगी बड़वानी तरफ चलते हैं, निमाड़ बड़वानी से श्रीमती योगिता पाटीदार जी है सर, और आपके द्वारा
17 लाख रुपए का ऋण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त करते हुए बुटीक का भी प्रारंभ कर रहे हैं सर। श्रीमती योगिता पाटीदार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप रूबरू हो रहे हैं। योगिता जी, बधाई आपको। काई के लिए लोन लिया आपने, मालूम है आपको? नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। जी आपका भी आभार। मुझे एक बुटीक चलाने के लिए और एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए ये जो ऋण प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा। किसी ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? कोई बदमाशी तो नहीं करी किसी ने? नहीं सर, हम लोग इतने साहसी और निडर हो गए हैं। बहुत अच्छा, ताली बजा। मोदी जी की सरकार में ये हिम्मत चाहिए। कोई अपनी योजना में फालतू पैसे वैसे ले तो अपने को बताना है, सस्पेंड कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। एक बार आपको बधाई। नहीं सर, जब सभी का सहयोग रहा है, सबसे शुरू में मैं समूह से जुड़ी हूँ और अच्छा। DIC ने भी मुझे सहयोग किया है। अच्छा, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। 30 लोगों को? हमारी बहन देखो 30 लोगों को रोजगार दे रही है। एक बार अभिनंदन करें बहन का। योगिता जी, मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बैठे हैं, ऐदल सिंह कंसाना जी है, राकेश जी है और पूरे प्रदेश के लोग आपको सुन रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको लोन लेते हुए? आज मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है सर, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए है कि कलेक्टर सर इधर मेरे साइड में बैठे हुए हैं। अरे मुख्यमंत्री बात कर रहे हो, छोटी बात है क्या? प्रदेश बहुत दूर है सर, हम लोग के लिए तो कलेक्टर सर भी बड़ी बात है। ये बात तो सही है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी मेरे साथ बैठे, मंत्री बैठे, बात तो बिल्कुल बहन आपने सही बोली। सीट पे मैं बैठी हूँ। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर आपको बधाई दे रहे। बहुत बहुत बधाई बहन आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो ऋण मिला है उससे आपका कारोबार, आपके परिश्रम से दिन दूना रात चौगना बढ़े और आप अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। 2047 में भारत को विकसित बनाना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। इस आह्वान को पूरा करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं। आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और विकसित भारत के इस महान अभियान में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुआशीष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद के लिए। आपके तेज और ओजस्विता से मध्य प्रदेश विकास की नई इबारत लिख रहा है। आइए जोरदार तालियों के बीच हमारे बीच उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वे हम सभी को आशीर्वचनों से अभिभूत करें। जोरदार तालियों के साथ चंबल की तालियों से आह्वान करो यार, चंबल की तालियों से जैसे पहले बजी थी। और जोरदार और थोड़ी ताकत से बोल पटिया वारे की। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने नेता माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए, जो लगातार हम जैसे ऐसे कई कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करें, पूरे मंच का अभिनंदन करें और जयकारा लगाएं तो ऐसा लगाएं कि गगनचुंबी होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ हमारे 7 आसमान दूर भगवान गोपाल और भगवान महाकाल भी सुने कि कहाँ बैठे हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिन्होंने हमारे बीच लगातार हम जैसे कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाते हुए, चाहे किसी दायित्व में हम रहें, हमारे बीच हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जो विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपके विधायक भी हैं और पूरे प्रदेश की हमारे विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर जोरदार ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। माननीय ऐदल सिंह कंसाना जी हमारे कृषि मंत्री, आपके अपने स्थानीय विधायक और नेता,
मेरे साथ भिंड से आए और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के यशस्वी मंत्री माननीय राकेश शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर यहाँ डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भाजपा मुरैना, श्रीमती सरला रावत जी, जोरदार बहन के लिए तालियां बजाए, विधायक सवलगढ़, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुजर जी, जोरदार आरती बहन जी के लिए, श्री गिरिराज जी दंडोतिया, जोरदार अभिनंदन करें गिरिराज जी का, मुंशीलाल जी हमारे पुराने नेता पूर्व मंत्री मुंशीलाल जाटव जी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, यहाँ के संगठन के प्रभारी जय सिंह जी कुशवा, हमारे पूर्व सांसद पूर्व महापौर अशोक अर्गल जी, इस अवसर पर रघुनाथ कंसाना जी अभिनंदन करें, कंसाना जी का भी, सूबेदार हमारे साथ विधायक रहे सूबेदार जी, किधर है सूबेदार जी, सूबेदार जी का अभिनंदन करें, परशुराम मुदगल जी, राकेश मवई जी, कहाँ राकेश जी, राकेश जी का अभिनंदन, कमलेश जाटव जी, वारेलाल जाटव जी, सत्यप्रकाश सखवार जी अभिनंदन करते रहे, नागेंद्र तिवारी जी, केदार सिंह यादव जी, आप सभी पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह भदौरिया जी, और अब नाम खत्म होगा तो ये जाने इनका काम जाने मेरे को मालूम नहीं है, मेरी अपनी ओर से समूचा मंच, नाम आपने दिए लिख करके एक बार पूरे मंच का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा दे सभी मंच के लिए, सच में आपको सबको प्रणाम करता, दोनों हाथ जोड़कर आपके प्रेम स्नेह का अभिभूत हूं, जो आपने दिल से स्वागत किया ऐसा लगा कि मैं अपने घर में आ गया हूं, अपने परिवार में आ गया हूं, ये परिवार का आनंद आपसे जो मिला है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं, कई बार वैसे मुरैना आने का मौका मिला है, लेकिन दिल खोल करके जो आपने अभिनंदन किया मैं आपको प्रणाम करता हूं, एक बार फिर आपके इस मन से किए गए सत्कार का सदैव ऋणी रहूंगा। मैं आज के अवसर पर ये कार्यक्रम में दो हिस्से किए गए, दो हिस्से इस प्रकार से, एक हिस्सा हमारा आज का रोजगार दिवस के कार्यक्रमों का भी जोड़ा है, और दूसरा हिस्सा हमने एक क्रम चालू किया नई सरकार के बनने के बाद, हमारे अपने संभागों के अंदर जिले के सभी कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ उनके अपने क्षेत्र के अलग अलग कामों को लेकर के वो जो योजना बना रहे हैं, जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है उसकी बात उसी जगह पर होना चाहिए, उसी भाव के आधार पर आज आपने चंबल की बात चंबल में करने के लिए आए हैं। इस क्रम को हमने जारी रखा है कि अब हमारे कामों को लेकर के हम केवल भोपाल में बैठ के बात नहीं करेंगे, जहां की बात वहां करेंगे, वो जवाबदार रहेंगे, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे, ये परंपरा हम स्थापित करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में इसके अलग अलग हिस्से भी हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ककनमठ बटेश्वर धाम शनिश्चरा मंदिर में जब टूरिज्म का चेयरमैन आया था, बन के आया था, उस समय हमने माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब की मौजूदगी में कुछ काम किए थे, लेकिन अभी काम के बारे में आपने आग्रह किया है, और ये बात तो मैं भूल भी नहीं सकता हूं कि मैं सम्राट विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं, और मुझे इस बात की जानकारी है कि ऐसा माना जाता कि 2000 साल पहले शनिश्चरा मंदिर का निर्माण अगर किसी ने कराया था तो सम्राट विक्रमादित्य ने कराया था, ये ऐसी यहाँ की मान्यता भी है और उज्जैन में भी जानकारी। हमारे अपने ऐसे युग पुरुष महापुरुष सुशासन के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य, जो केवल यहाँ की बात नहीं है, जिसने अपनी संस्कृति की धरा को पूरे संसार में अलग रूप में दिखाया, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इस देश की विशेषता भी है कि हमारे यहाँ सभी क्षेत्रों में हमारी संस्कृति में लगातार आगे बढ़ने की संस्कृति है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला चाहते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं, और अपने जीवन के ऐसे संस्कार हमारे हैं कि हमारे संस्कार में हम अपने जीवन में परिवार को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारी पर्याप्त रूप से परिवार की चिंता भी करते हैं, जिसको कुटुंब परंपरा के नाते से हम जानते हैं, और हमारे जीवन में जो हमको चाहिए उसके चाहने के बावजूद भी कुछ बचा के लेके चलते हैं, जिसके कारण से दुनिया में हम हर काल में हर युग में समृद्ध भी हैं, सुसंस्कृत भी हैं, और सभी प्रकार से लोगों को अलग प्रकार से सुखी संपन्न दिखाई देते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की ऐसा अच्छाई को हजारों साल से कई आक्रांता
उनकी आंखों में खटकते हैं, इसलिए जब मौका मिलता वो हमको लूटने आते हैं, जब मौका मिलता वो हमको परेशान करते हैं, वो हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, चंबल के बहादुर के बलबूते पर हजारों साल से यहाँ के वीर सिपाहियों ने हर काल में, हर युग में, हर बार उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कभी वो झुके नहीं, कभी वो रुके नहीं, कोई बाधा उनको रोक नहीं सकी। जब भी मौका पड़ा, आजादी 1947 के पहले हजारों साल से चंबल की धरती ने अपनी हिंदू संस्कृति का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, उसके हकदार ये हमारे पूरे चंबल सहित हमारे अपने क्षेत्र के निवासी है। और आज भी जब मौका पड़ता है, मुझे इस बात की खुशी है कि अभी अभी हमने आज ही बैठक की है, बड़े कष्ट तो है, दुख तो है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व और गौरव भी है कि वो तब की बात होगी जो हजारों साल पुरानी, या वो 2000 साल पुरानी बात होगी, या परसों भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलाइट लोगों ने हमला किया तो हमारे भदौरिया जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके हमारे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया। मैं उनके प्रति भी स्मरण करता और हमने श्रद्धांजलि दी है कि आपने जान की बाजी लगा करके जो सूरवीर अपनी धरती को गौरवान्वित करते हैं वो समूची संस्कृति में पूजे जाते हैं, हम सम्मान से उनको जीवन भर स्मरण करेंगे। मैं आज इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि विकास के मामले में, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यकाल को कौन भूल सकता है। आज हम जिस प्रकार के दौर में चल रहे हैं, प्रधानमंत्री कितने प्रकार से सोचते हैं, यद्यपि मेरे पास तो बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं आज बात करने आया था अपने इस चंबल के अंदर कि चंबल में जब दुनिया भर में हमारे उद्योग लग रहे हैं, सभी क्षेत्रों में विकास की गंगा बह रही है, तो चंबल में, मुरैना में, भिंड में क्यों नहीं हो सकती है? हमने आज ही निर्णय किया, आने वाले समय में हमारे मुरैना और भिंड में भी उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे। हमने अपने इस संबंध में यहाँ की दृष्टि से यही बात की है कि जब यहाँ पानी है, बिजली है, दिल्ली से पास की नजदीकी है, तो हमारे लोगों को अपनी खेती बाड़ी करते करते रोजगार के लिए अपने और दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ेगा, दूसरी तरफ क्यों जाना चाहिए? और उद्योग का भी एक क्रम नहीं है। अब गया जमाना कि केवल एक फैक्ट्री रहती है, लेकिन एक फैक्ट्री से जब बात हम करने गए तो दूसरी फैक्ट्री की बात निकली। यहाँ बताया गया कि यह शक्कर फैक्ट्री कोई पुरानी थी और शक्कर फैक्ट्री में लगभग 56 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है। तो कोई अगर मीटिंग करें और किसानों का कोई बाकी हो तो कोई छोड़ सकते हैं क्या? हमने कहा आपका ही बनाया मुख्यमंत्री हो, हमने कहा तुरंत उनका 56 करोड़ रुपया लौटाएंगे और वहां नई फैक्ट्री लगवाएंगे। मुरैना के लोग परेशान हो या बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दे, जैसे ही सरकार का गठन हुआ था और सरकार के बनने के 8 दिन के अंदर हुकुमचंद मिल के लगभग 4000 से ज्यादा भाई बहने 27 साल से कोर्ट कोर्ट में चक्कर खा रहे थे, उनके पैसे बकाया थे। हमने निर्णय किया कि आना पाई सुद्धा एक एक रुपया सभी मजदूरों का लौटा दिया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सभी का पैसा लौटाया। और यहां वही निर्णय किया कि केवल इंदौर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई, अगर किसी भी किसान का, किसी मजदूर का, किसी गरीब का कोई भी पैसा अगर बकाया है, वो सारा पैसा देने की जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हम किसी को भी इस तरह से रास्ते में नहीं छोड़ सकते। इसी आधार पर हमने कहा है कि जेसी मिल ग्वालियर का पैसा भी लौटाएंगे और आपके मुरैना की शक्कर फैक्ट्री का पैसा भी लौटाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में यहाँ इसी स्थान पर, आज अभी 2 दिन पहले एक हमने बड़ा निर्णय माननीय गडकरी जी के साथ किया, लगभग 10,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के राजमार्ग, जिसमें मुरैना का बाईपास भी था और कौन कौन से स्थान थे माननीय भाई साहब ने बताया है, आज तो समय कम पड़ेगा, लेकिन 8,000 करोड़ के विभिन्न प्रकार के काम अपने केवल चंबल और मालवा वाले क्षेत्र में थे और 2,000 हमारे महाकौशल के, अर्थात लगभग 10,300 करोड़ के निर्माण कार्यों का हमने भूमि पूजन परसों एक साथ किया। अभिनंदन करें गडकरी जी के लिए, जिनके माध्यम से अगर विकास की बात करते हैं
उद्योग लगाने की बात करते हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, तो बगैर सड़क बनाए वो हो कैसे सकता है? बगैर फोर लेन बनाए, बगैर बाईपास बनाए, निश्चित रूप से उनको जोड़ने की जरूरत रहेगी। इसलिए 10,000 करोड़ के नए निर्माण कार्य का हमने भूमि पूजन किया। मुझे एक और बात की ध्यान में आती है, मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये कटु सत्य है, अपने ग्वालियर के बेटे और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया था। प्रधानमंत्री सड़क को कोई भूल सकता है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई भूल सकता क्या? पूरे गांवों के अंदर जिस प्रकार से क्रांति लाए थे अटल जी, एक और बड़ा निर्णय उनने किया था कि केवल सड़क नहीं, नदी से नदी जोड़ करके भी गांव गांव का भला करने का मौका उनने ढूंढा था। और उसी समय एक योजना बनी थी हमारे इस राजस्थान और मध्य प्रदेश की इस बॉर्डर पे लगे हुए इलाके से पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों नदियों को जोड़ करके लगभग 12 जिले मध्य प्रदेश के और 13 जिले राजस्थान के, इनको जोड़ करके ये पूरा क्षेत्र हरा भरा करने का प्लान बना था। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2003 में योजना बनी थी, लेकिन 2003 के बाद 4 में मनमोहन सिंह जी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, उनको क्षेत्र के लोगों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पूरी योजना को डब्बे में डाल दिया। बाद के काल में फिर राजस्थान की सरकार बनी, जब माननीय मोदी जी की सरकार बनी तो भी उनने डब्बे में डाल दिया और हमारी योजना को परवान नहीं चढ़ाया। मुझे खुशी इस बात की है कि अभी इसी माननीय मोदी जी की सरकार में मैंने और भजन लाल जी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने और यशस्वी जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी की मौजूदगी में 75,000 करोड़ की योजना का एमओयू साइन हो गया है, जिसके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट, एक बार अभिनंदन करें गजेंद्र सिंह जी का और माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से भविष्य में बहुत बड़े डैम की लगभग 7 डैम बनेंगे, 7 बांधों के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई का पानी हमारे चंबल के बीहड़ों के अंदर तक जाएगा, ताकि हमारी खेती और समृद्ध होगी, तमाम प्रकार के उद्योग भी आएंगे। जब सड़कें बन जाएगी, पीने का पानी मिलेगा, बाकी सुविधाएं मिलेगी, तो समृद्धि के लिए और क्या चाहिए? निश्चित रूप से उसी से समृद्धि आती है, इसमें और कुछ बचा नहीं है। माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब ने कहा है, अभी जहां से हमारा रोड निकला वो छोटा था, तो एलिवेटेड रोड की आपने बात कही है मुरैना के लिए, निश्चित रूप से भाई साहब नितिन गडकरी जी के साथ मिलकर के मुरैना का वो योजना को हम मंजूर कराएंगे और मुरैना को वो बड़ी सौगात देंगे, जिसके कारण से मुरैना में आने जाने का यातायात का एक नया मार्ग खुलेगा। एक और बात आपने कही है, टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना है पर्यटन की, तो धार्मिक पर्यटन पे भी, बेबी अब मैं तो बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ, बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। अरे जब से मोदी जी आए, हमारे देवस्थानों की दुनिया कहां से कहां चली गई हमको अंदाज तो लगाओ। क्या समय आया, सांस्कृतिक अनुष्ठान का बड़ा महापर्व चल रहा है। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन की एकदम काया पलट हो गई, आपने सबने भी देखा होगा। लेकिन आप केवल महाकाल का नहीं है, अभी अभी प्रभु रामचंद्र जी का आनंद हमने सबने देखा। बोलो प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। क्या समय चल रहा है वर्तमान का, अयोध्या का, हमारे बाबा महाकाल की नगरी से तो मेरा संबंध आता ही है। फिर वापस 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में मंदिर बनाया था, उस बने हुए मंदिर को 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा, उस तोड़े मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भारत सरकार के उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में, सरकार बनती है तो सरकार में बनने वाले में दम भी चाहिए, उसकी ताकत भी होना चाहिए। फैसले तो सुप्रीम कोर्ट देती है लेकिन लागू नहीं करा पाते हैं। राजीव गांधी जी की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 3 तलाक का, मुस्लिम बहनों की जिंदगी में तलाक 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 3 तलाक बोल करके जीवन उनका अंधेरे में डाल दिया जाता है, लेकिन सरकार में दम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्णय को उस समय की कांग्रेस की सरकार ने बदल दिया। मुझे इस बात की खुशी है
लगभग 35 साल पुराने फैसले को भी लागू कराने का मादा किसी में था तो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार में था। हमारे बीच में से जो अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी है वो उस अपने माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो गवाह थे उस बात के। और मुझे खुशी इस बात की है, एक फैसला फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि रामलला के जन्म स्थान के बारे में कोई शंका नहीं है, वही स्थान है जहां भगवान ने जन्म लिया, वही गर्भगृह स्थान था जो वर्षों से हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भूमि पूजन के समय भी माननीय मोदी जी गए थे और अभी भगवान के गर्भगृह में जाने के बाद भी उस मौके का निमंत्रण पूरे देश में भेजा गया था, सब लोगों को भेजा गया था, लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी भगवान राम का विरोध किया था और आज भी गर्भगृह में भगवान के प्रवेश का न्योता ठुकरा दिया। अरे दुर्भाग्य की बात है, कितने अभागे हो तुम लोग, भगवान अपने गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, और ऐसे भगवान के गर्भगृह के निमंत्रण। अरे आप अपन सब इस बात को जानते हैं भैया, तुम्हारे मन में पाप होता, तुम्हारे कोई अश्रद्धा होती, तुमको जाने की मन में भावना नहीं होती तो चुप बैठ जाते, घर में ही रहते। लेकिन आप तो वो लोग हो जो सदैव हिंदुओं को अपमानित करते हो। आपने न्योता ठुकरा के जो गलती की है ये सारा समाज माफ नहीं करेगा कभी कांग्रेस को, जो पाप उनने किया है। इतने बड़े हिंदू समाज का अपमान करने का पाप अगर आपने किया है तो कीमत भी आपको चुकाना पड़ेगी। भगवान राम के बारे में आपका ये भाव रहता है, वोट के आधार पर आप बात करते हो और हमको कई बार पता नहीं क्या क्या कहते हो। अरे ये तुम्हारे ही नेता तो थे जो कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख भी बता दी, निमंत्रण भी दे दिया, लेकिन आप निमंत्रण को ठुकराने वाले लिस्ट में शामिल हो भाई साहब, आप माफ करना, कुछ दिन बाद आपको भी चुनाव में जाना पड़ेगा, कुछ दिन बाद आपको भी जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता बताएगी कि हमारे देवी देव का तो अपमान करने वाला का स्थान क्या होता है, हम कोई उस मामले में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हाँ हमने भगवान राम के राम भक्तों को जाने मार्ग पर फूल बिछाए थे, हाँ हमने संस्कृति में भगवान राम का स्थान समझ करके नई शिक्षा नीति के माध्यम से पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, ऐसे कई विषयों को लेकर के हम अपने आदर्शों को कैसे भूल सकते हैं। हमारे जिन पे वर्षों से श्रद्धा है उसको नकार कैसे सकते हैं। हम अपने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अब तो न्यायालय को भी धन्यवाद, बाबा विश्वनाथ के कली मंदिर में फैसला हुआ है ज्ञानवापी देवस्थान के बारे में, अब न्यायालय भी इस बात को बार बार कांग्रेस के मुंह पे मार करके बता रही है ये सारे पाप आपके हैं, ये जितने भी गलत काम किए ये कांग्रेस ने किए। आप सबके माध्यम से एक बार फिर आज इस विकास की बैठक में और एक बड़ी सभा में आपके बीच एक और घोषणा करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सेना की भर्ती को लेकर के बड़े पैमाने पे अग्निवीर योजना प्रारंभ की गई, उस अग्निवीर योजना के माध्यम से हमारे अपने देश की सेना को एक तरह से युवा बना दिया गया। काल के प्रवाह में बहुत सारे प्रकार के षड्यंत्रों के आधार पर आप अंदाज लगा लो, कभी कल्पना कर सकते हो क्या, इतना बड़ा 142 करोड़ आबादी का देश और इस देश की सेना की जो हमारी, क्योंकि उसमें हमारा अकेले बस की बात नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ और बहुत सारे नियमों के आधार पर हमको संख्या लिमिटेड रखना है, तो केवल थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालूम हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर नई जानकारी हो तो, केवल 13.5 लाख इनकी संख्या है, लेकिन 13.5 लाख सेना हमारी सभी प्रकार की दुनिया की चुनौतियां, कोई दुश्मन देश आ जाए सबको ठिकाने लगाने की हिम्मत रखती है, और हमारे अंदर देश के अंदर भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए सभी प्रकार की आपदा से निपटने का मादा रखती है। लेकिन इस सेना को जवान बनाए रखने के लिए, सेना में नया खून लाने के लिए माननीय मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लागू की। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से ही 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था,
लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाते हैं पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है। अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूं। वो सारा पैसा सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वो निशुल्क कोचिंग क्लासेस के बलबूते पर उनको रोजगार मिलेगा। इसी के साथ साथ रोजगार के और भी उद्योग, अभी हमने कहा है कि यहाँ फूड संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की कुछ क्या सरसों की यूनिट है ना, सरसों की है और काय काय की है, जो जो भी है, सभी लोगों के लिए जो भी कोई नई फैक्ट्री या नया योजना खोलना चाहेगा हमारी सरकार उसको सब्सिडी भी देगी। इसके साथ साथ और भी रेडीमेड गारमेंट्स के हमारे क्लॉथ के दूसरे जैसे कॉटन के इंडस्ट्रियां हैं उसमें रोजगार बहुत है। जैसे जैसे अपने यहाँ उज्जैन में हमने खुलवाई है कि लगभग रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से प्रति मजदूर 5,000 रुपया महीना 10 साल तक हम उसकी सब्सिडी देते हैं। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री लेकर लगाना चाहेगा, ये कि यही घोषणा मैं मुरैना के लिए करता हूँ, जाके यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोजगार मिले। हम ऐसे कई सारे घटनाक्रम और कई सारे रोजगार के नए अवसर खोजना चाह रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अपने काम धंधे चलते चलते जो अलग से बेरोजगार है उसके जीवन में भी सुख का सूरज निकले। गिर गाय का अपने कार्यक्रम बताया है श्योपुर जिले के लिए, क्या गोरस क्षेत्र है, गोरस क्षेत्र के लिए, तो गिर गाय का कोई बहुत बड़ा आपने प्रोजेक्ट बताया है। निश्चित रूप से गिर गाय वास्तव में वरदान है भगवान का, जाने अनजाने गिर गाय की बाद में वंश परंपरा में उसके जातियों में कोई, ये जो हमारे अपने दुर्भाग्य से पशु विभाग ने पुराने समय में कुछ पाप किए, हमारी देसी गायें शुरू से बहुत पवित्र रहती है, उनकी क्षमता उनकी अपनी बहुत सारी विशेषता होती, लेकिन जाने अनजाने उस जो हमसे गलतियां हुई उस गलतियों के आधार पर विदेशी नस्ल को जो हमने मिक्स करने का प्रयास किया, हम कोशिश कर रहे हैं हमारी भारतीय नस्ल की गायें शुद्ध रहे, इसका एक बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आप अंदाज लगा लो बेल्जियम अपनी गिर नस्लों के आधार पर कहां से कहां चला गया, दुनिया में बहुत बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया, लेकिन हमारे नस्ल की गाय हम अपने यानी शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हम तो गोपाल कृष्ण गाय के पालने वाले वंश के नाते से हजारों साल से जाने जाते हैं। तो इस नाते से ऐसे कई प्रोजेक्ट जो हमारी पुरानी संस्कृति को भी बचाए और नए दौर के नए समय के हिसाब से भी दूध उत्पादन में भी आगे बढ़े, इसलिए सहकारिता क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे बड़ी संभावना है। मैंने अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि आप सब सहकारिता के क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट बनाएं और यहाँ दूध उत्पादन का बड़ा जो क्षेत्र है उसको अपना इस प्रकार का यूनिट खड़ा करें जिसमें व्यक्तिगत रूप से दूध के उत्पादन करने वाले किसानों को भी लाभ मिले, उनकी आय भी अलग से बढ़े, उनके जीवन में भी बदलाव आए। ऐसे कई कामों को लेकर के बहुत सारी बातें आज हमने कही है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं अपने इस कार्यक्रम में जब आया तो क्या बाजार, क्या यहाँ की बैठक, क्या हमारे अंदर की बैठक, सब दूर एक मुरैना में अलग चमक दिखाई दी। आपने अलग से जो आनंद दिया है मैं आपका दो ही हाथ जोड़ के आभार मानता हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि बार बार आपके बीच में आता रहूंगा और हम सब मिलके संकल्प करें, अपने स्थान पे खड़े हो जाए और जय श्री राम का नारा लगाए कि जिनने भगवान राम को अपमानित किया है आने वाले समय में इनके पाप का एक एक पाप का एक एक बार से अपने मतदान के अधिकार से हिसाब चुकता करेंगे। बोलो आप सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।